सोचिए कि मैं एक दिन में दो सिनेमा का डबिंग करता हूँ, आठ आठ जेम्बू का दो दो सिनेमा एक दिन में डब कर देता हूँ। लेकिन वो पहली ऐसी फिल्म मेरे जीवन में आई गॉडफादर, जिसका मैं दो दिन किया उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाया। लगभग अभी पांच छह छठे दिन चल रहा है अभी। हाँ, और इतना प्यारा कि उसमें डबल रोल, एक बाप के बाप को किरदार, और दोनों सामने है और दोनों को डिफरेंट करके मुझे वॉइस निकालना है। अब वो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हुआ, चाहे वो रंग दे बसंती। तो लगातार अभी बिग बजट की फिल्में यही तो भाई कर रहे हैं, ये और इनके भाई रोशन जी, और हम लोग भी इन्हीं कोशिश किया, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने गॉड फादर को भी बनाया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर का। तो कोशिश है जे मैं ये अगर थोड़ा सा पुश करते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, ताकि अगर इनका विश्वास इतना है तो इनके विश्वास में हम इतना खड़ा उतरे ताकि हम बेहतर चीजें कर सके। तो हमारी कोशिश तो एक कलाकार के नाते तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे वो जो भी सिनेमा मेरी बनी, तो कि वो हमेशा बेहतर हो और अपने भाषा को प्रमोट करें। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो भी रही है। पहले हम 18 लाख 20 लाख में ऑडियो वीडियो सेटेलाइट जाते थे, आज 3.5-3 करोड़ तक पहुंच गया है चीजें, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो सारी चीजें तो बढ़ी रही है। तो थिएटर थोड़ा कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं से रिकवरी लोगों को मिल रही है। तो कोशिश है जो बेहतर और किया जाए, ताकि और बेहतर चीजें। सर एक चीज और आप बेहतर कर रहे हैं, भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, भोजपुरी प्रमोट, लगातार आप अपने लुक को भी बहुत चेंज कर रहे हैं, लगातार अलग अलग लुक में आप दिखाई दे रहे हैं। भाई हमारा लीवर फूल गई बात बताइए, हम बोला तनी कम नहीं खे, बहुत ज्यादा बात लीवर में फूल का सूजन होता है, सूजन हो गया है। मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ, और इसके लिए ना मैं कोई गाना गा पा रहा हूँ अभी, ना कोई डबिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लगातार मैंने इधर 3-4 महीने लगातार मैंने डे और नाइट को मैं समझा ही नहीं कि नींद होती क्या है, और उसने मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट दिया, और मैं सो ही नहीं पाया, और खाना टाइम से नहीं, ट्रैवलिंग ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम। तो मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ, इसीलिए मैं इधर नया कुछ कर ही नहीं पाया। लुक अब सोचे कि अब डेली हमारे मेहरारू तेल लगा देती है सरवा में, अब वो तेल ऐसा ना करुआ कहते हैं सरसों के तेल का वाला, अब लगा देती है तो हम लगाते सब रही बुझाते एकदम हम आ गए बनी, आदमी बन गए बनी, तनी चेहरा इन्हें उन्हें होता तो बुझाते जो सच में हम बीमारे बनी। बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाइएगा ना, तो जिंदगी में भविष्य तय नहीं कर पाएंगे, उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे, और उनको पता है। और आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज की जनरेशन के पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। हमारे पास पहले वर्क नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन के पास हर टेबल पे वर्क है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, इसीलिए मैं अपने बच्चों पे ज्यादा गाइड नहीं करता, बस उनको संस्कार देता हूँ। उसके बाद में तो कभी पढ़ाई के लिए भी नहीं पूछता, बेटा तू क्या पढ़ा है, उसके लिए कृति है, उसको गाइड करती रहती है, क्योंकि वो समझदार हो गई है। तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी आधी माँ और आधा पिता, उसकी खुद की बहन है, तो वो खुद ही उसको गाइड करती रहती है। तो कृति ने जो बेहतर काम किया है, एक मैच्योर एक्टर की तरह जो संघर्ष 2 में, उससे मुझे लगा जी नहीं, ये मेरे घर की गार्जियन बन सकती है, अपने भाई की गार्जियन ये खुद ही, तो ठीक है, परिवार सुखमय, अच्छा लगता है। फिल्म रिलीज के पहले हम लोग कोशिश करेंगे कीर्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और 10 दिन पहले जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप सबको इनवाइटेड करता हूँ, और आप लोग भी अपने स्तर से, हाँ, उसका प्रीमियर भी होगा, तो आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप सब भी, और आप अपने तरफ से भोजपुरी के लिए क्या बेहतर लिख सकते हैं, भोजपुरी के लिए क्या आप बोल सकते हैं, आप लोग भी अपने तरह कोशिश करिए, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। यहाँ ना खेसारी का कोई टीम है, ना कोई पवन सिंह का टीम है, ना दिनेश जी का टीम है, ना रवि जी का टीम है, हम एक भाषा के बेटे हैं, और हम सबका दायित्व बनता है कि उस भाषा को बड़ा करें, खुद को नहीं, क्योंकि वो भाषा बड़ा होगा तो हम खुद ही बढ़ जाएंगे। तो कोशिश ये है कि जब जमीन खरीद लेंगे ना, तो घर तो अपने आप बन जाता है। तो कोशिश है कि अपने जमीन को बड़ा डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ एक गांव बस, या गांव इतना, और गांव से शहर बने, शहर से वो एक अलग काफिला बन जाए, एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर जिला से लेकर वो मंडल घोषित हो जाए। तो हमें कोशिश करना है कि सबको मिलकर अपने जीवन को और अपनी भाषा को बढ़ाएं। ठीक, ओके, और कोई सवाल?